तो अभी जैसे आपने कहा ना कि अपनी ओरिजिनल वॉइस भी ढूंढना एक बहुत जरूरी होता है फोटोग्राफी के अंदर, बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी जरूरी होता है। है। बट कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, और ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे ओरिजिनल अपनी स्टाइल ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट एट द सेम टाइम हम बहुत सारे फोटोग्राफर्स या आर्टिस्ट का काम देख रहे होते हैं, तो हम कैसे अपने आप को ना उससे इन्फ्लुएंस होने से बचा पाए कि अगर हम किसी का काम देख रहे हैं तो हम एक ऐसे डिटैच्ड वे में देखें कि हम उससे इतना इन्फ्लुएंस ना हो जाए कि हम जा करके हूबहू वही कॉपी करने लग जाए, या हमने चार अलग अलग फोटोग्राफर्स को के काम को देखा और फिर हम जब कुछ करने गए तो हमने वो मिला करके कुछ बना दिया उसी का। उससे आप अपने आप देखो, को कैसे बचाते हो, मतलब बचाते थे, मतलब जब आप सीख रहे थे या जब आप लर्निंग फेज में थे? वो हमेशा चलेगा ये प्रोसेस, ना केवल लर्निंग फेज में नहीं होता है। ये आज के डेट में क्या है कि फोटोग्राफी इतनी वाइड हो गई है और आप सोशल मीडिया को अवॉइड नहीं कर सकते, तो जी आपको चीजें भी ज्यादा दिख रही हैं। पहले क्या होता था, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, कि आपको फोटोग्राफी को या फोटोग्राफ को देखने के लिए बुक या उस तरह की चीजों को ही देखना होता था। सोशल मीडिया जैसी चीज थी नहीं, जब एक्सपोजर सोशल नहीं था। मीडिया नहीं था, हाँ, एक्सपोजर और ओपनली चीजें अवेलेबल नहीं थी, तो यू हैव टू परचेज अ बुक। राइट बुक में देखने के बाद और सोशल मीडिया पर देखने के बाद, ना सोशल मीडिया क्या है, आप अगर इंस्टाग्राम खोलो, 10 मिनट आप इंस्टाग्राम पे आप बैठो, आपको 1000 तरह की चीजें दिख जाएंगी। राइट तो क्या करता है, आपका दिमाग को ये डाइवर्ट करता है। एज अ गुड फोटोग्राफर आपको करना क्या है, सिंपल, बहुत सा बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट टाइम टेकिंग है। ये अपने माइंड को तैयार करना किसी चीज के लिए आसान नहीं है आज के डेट में। कंसंट्रेट करो, उसको कहते हैं ना, क्योंकि कंसंट्रेशन तोड़ने के लिए आपके सामने बहुत सारी बहुत सारी चीजें। तो चीजें जी। कंसंट्रेट आप कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है कंसंट्रेट करने का। जब भी आप किसी फोटोग्राफ को देखते हैं ना, तो आप फोटोग्राफ को मत देखिए, आप फोटोग्राफर के पीछे के उस फोटोग्राफ के पीछे के फोटोग्राफर को देखिए, उसके एफर्ट्स को देखिए, कि उस पर्सन ने, ये सोचिए कि उस पर्सन ने ये फोटोग्राफ किस सिचुएशन में लिया होगा। राइट तो क्या होगा कि आप फोटोग्राफ को भूलना शुरू करेंगे और आपका दिमाग उसके बैक स्टोरी पर जाएगा कि हाउ दैट फोटोग्राफर हैज क्लिक दिस फोटोग्राफ विथ व्हाट डिफिकल्टीज। फिर आप सोचोगे, अगर ये 2 स्टेप पीछे होता तो क्या होता, अगर ये 2 स्टेप आगे होता तो क्या होता। तो क्या होगा कि आप फोटोग्राफ को धीरे धीरे भूलने लगेंगे और फोटोग्राफर के उस प्रोसेस पर आपका प्रोसेस में दिमाग दिमाग जाना शुरू होगा। दिमाग जैसे ही जाना शुरू होगा, तो जब नेक्स्ट टाइम आप उस जगह पे जाएंगे ना, फोटोग्राफ को आप भूल जाएंगे, आप उस प्रोसेस पर चले जाएंगे। और प्रोसेस पर जब आप जाएंगे तो एग्जैक्टली सेम प्रोसेस तो आप कर नहीं सकते कॉपी, राइट तो क्योंकि आपका दिमाग वो फोटोग्राफ भूल चुका है। ये अगर प्रैक्टिस सब कर लेना, जितने भी यंग फोटोग्राफर्स हैं आज के डेट में, मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि आज के डेट में बहुत कॉपी फोटोग्राफी दिख रही है, अगर आप इंस्टाग्राम खोलें तो स्ट्रीट फोटोग्राफी में ही, अगर आप खुद देखने के लिए बैठेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा ये किसकी फोटोग्राफ है। ए की फोटोग्राफ भी, बी की फोटोग्राफ, सी और डी, सबकी फोटोग्राफ एक ही जैसी दिख रही है, राइट 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 एक भीड़ इकट्ठा हो रही है एक्चुअली। अनफॉर्चुनेटली होली सूट करना है, सबको होली सूट करना है, मैंने इसी तो टॉपिक पे बात बनारस करी थी पहले इंटरव्यू में भी किसी से, ये होली होली का भी बनारस जो बिल्कुल बिल्कुल बनारस पहुंच जाएंगे देव दीपावली शूट करने के लिए। सबको बनारस जाना है देव दीपावली शूट करने के लिए, सब सबको प्रयाग में जाना है कुंभ शूट करने के लिए, सबको ये फेस्टिवल वो फेस्टिवल, जो जितने दुनिया भर के फेस्टिवल है, सबको सबको शूट करना है। क्यों करना है भाई, राइट मुझसे भी कई बार सब पूछते हैं, सर आप होली में शूट करते हैं, सर आप देव दीपावली में बनारस नहीं आ रहे? तो मैं कहता नहीं आ रहा हूँ, अब मेरे दिमाग में सेट नहीं हो रहा है तो मैं कैसे राइट आऊंगा, मेरे दिमाग में सेट कुछ और है, मैं किसी और चीज पे कर रहा हूँ। जो सब कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं, तो कोई जरूरी तो नहीं है ना सभी जी जी फोटोग्राफर जी कहलाएंगे। मुझे इंस्टाग्राम पे पॉपुलर नहीं होना है, राइट मुझे काम करना है एज ए फोटोग्राफर, मेरा वर्क मुझे पहले सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मुझे, मैं दुनिया के लिए नहीं काम कर रहा, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं काम कर रहा कि मैं दीपावली भी शूट कर रहा हूँ, मैं होली भी शूट कर रहा हूँ, मुझे ये सब पॉपुलरिटी नहीं चाहिए। मुझे अपने वर्क में वो ठहराव चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, कि जी एक टाइम के बाद जब मैं खुद उस फोटोग्राफ को देखूं तो मुझे लगे कि मैंने कुछ किया है, मेरी कुछ कहानी है इसमें, कि उस मैं वहां पे फोटोग्राफ के था अंदर। उस मोमेंट में, मैं इस तरीके से देख बिल्कुल रहा था। बिल्कुल, आज के बच्चों को देखे वो भूल जाते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता होता उन्होंने फोटोग्राफ कब क्लिक किया हुआ। मुझसे पूछे, मैं अपने फोटोग्राफ की एक एक चीज बता सकता हूँ, कब किस मंथ किस डेट को क्लिक किया, क्योंकि वो मैं उस चीज को उस तरीके से देखता हूँ। मेरे लिए फोटोग्राफ केवल अलग अलग जाकर जगह पे जाकर के अननेसेसरली अपना डेटाबेस बढ़ाने का नहीं है, जी